नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मित्र देवी काली पर अपनी एक टिप्पणी के कारण बुरी तरह फंस गई हैं। अब उनके खिलाफ भोपाल में FIR दर्ज हो गई है। पश्चिम बंगाल में भी BJP उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। बुधवार को विभिन्न थानों में उनके खिलाफ 56 शिकायतें दर्ज कराई गई। तृणमूल कांग्रेस ने महुआ मित्र के बयान से खुद को अलग कर लिया है और दूसरी ओर BJP के नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने महुआ मित्र की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर 10 दिनों के भीतर महुआ मित्र की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 11वें दिन वे कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख करेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने महुआ के बयान से तो खुद को अलग किया ही है। देवी काली पर जो फिल्म है, जिस पोस्टर पर महुआ ने टिप्पणी की थी, जिस पर विवाद है, उससे भी निंदा की है, उससे भी अलग किया है, कहा है वह उसका समर्थन नहीं करती। और BJP ने इसे मुद्दा बना लिया है महुआ के खिलाफ, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, और पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आज चर्चा करूंगा इसी की, देखिए आखिर तक। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। आखिर महुआ मित्र जो संसद में मुखर वक्ता रही हैं, तृणमूल कांग्रेस के पक्ष रखती रही हैं, उसकी ओर से आखिर उन्होंने क्या कहा था जिस पर इतना विवाद पैदा हो गया। दरअसल महुआ ने कहा था कि मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी काली की कल्पना करने का उनको पूरा अधिकार है। उनका कहना था कि हर व्यक्ति को अपने देवता और देवी की पूजा अपनी तरह से करने का अधिकार है। उनके इस विवादित बयान पर भोपाल में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 295(a) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी महुआ मित्र के बयान की निंदा करते हुए कहा है कि इससे हिंदू धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं BJP ने महुआ मित्र के बयान पर आपत्ति जताते हुए सवाल किया है कि क्या बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की भी यही राय है। BJP का कहना था कि यह हिंदू देवी और देवताओं का अपमान है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को ही सांसद की टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया था, निंदा की थी। और दरअसल महुआ ने इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में कहा था कि यह व्यक्ति का अधिकार है कि वह अपने आराध्य को किस रूप में देखता है। उन्होंने अपने बयान के समर्थन में कहा था कि मिसाल के तौर पर आप भूटान और सिक्किम जाते हैं तो वे पूजा में अपने आराध्य को विस्की देते हैं, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश जाएं और वहां प्रसाद के रूप में विस्की देने की बात करें तो लोग इसे इष्ट निंदा के तौर पर ले लेंगे। और मेरे लिए, उनका कहना था कि मेरे लिए काली एक मांस खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली देवी हैं। और अगर आप पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ स्थित शक्तिपीठ जाएं, तो पाएंगे कि साधु वहां चरस और गांजा पी रहे हैं, काली की पूजा करने वाले आपको अलग अलग मिलेंगे, और हिंदू के तौर पर, काली उपासक के तौर पर मुझे अधिकार है कि मैं अपनी देवी की कल्पना अपने हिसाब से कर सकूँ, यही मेरी आज़ादी है। दरअसल कॉन्क्लेव में मोहित्रा से काली पर विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर सवाल पूछा गया था। इस फिल्म में देवी काली को इसके पोस्टर में सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। तो उनका, महुआ का यह बयान तुरंत वायरल हो गया। इसके बाद महुआ मित्र ने RSS पर हमला करते हुए स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि यह सभी संघियों के लिए है, झूठ बोलने से आप बेहतर हिंदू नहीं बन सकते, मैंने कभी किसी फिल्म या पोस्टर का समर्थन नहीं किया है और न ही स्मोकिंग शब्द का इस्तेमाल किया है। मैं आपको सलाह दूंगी कि कभी तारापीठ में माँ काली का दर्शन करने जाएं और देखिए कि वहाँ भोग में क्या चढ़ाया जाता है।
बीजेपी ने कहा कि टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। प्रदेश बीजेपी के नेताओं का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब टीएमसी के किसी नेता ने हिंदू देवी के बारे में ऐसी बातें कही है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, टीएमसी ने खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने एक आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा पार्टी ने कि महुआ मित्र ने जो कुछ कहा है यह उनकी निजी सोच है। उनकी इस टिप्पणी से न तो पार्टी सहमत है और न ही हमारा यह आधिकारिक रुख है। तृणमूल कांग्रेस महुआ मित्र की टिप्पणी की निंदा करती है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव बल्लभ से महुआ मित्र और काली के पोस्टर के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, यह तृणमूल कांग्रेस का आंतरिक मामला है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। दरअसल और तृणमूल कांग्रेस ने जब महुआ मित्र की टिप्पणी से खुद को अलग किया था, उसके कुछ देर बाद ही महुआ ने तृणमूल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को अनफॉलो कर लिया। हालांकि वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब भी फॉलो कर रही हैं। दरअसल यह विवाद लीना मणि मेकलाई की फिल्म काली के पोस्टर से शुरू हुआ था। उसमें देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। लीना फिलहाल कनाडा में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि देवी के जिस रूप को अपनी फिल्म में दिखा रही हैं वो मानवता का स्वरूप है और विविधता का सम्मान करने वाला है। ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस पर विरोध जताया है। उच्चायोग ने एक बयान जारी कर कहा है कि हमें कनाडा के हिंदू समुदाय के नेताओं की ओर से फिल्म के पोस्टर पर देवी देवताओं के अपमानजनक प्रस्तुतिकरण को लेकर शिकायत मिली है, जो टोरंटो के आगा खान म्यूजियम के अंडर द टेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। पिछले हफ्ते शनिवार को लीना ने अपनी फिल्म काली का पोस्टर ट्वीट किया था। उनके मुताबिक यह एक परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट्री है। मणि मेकलाई अपनी फिल्मों में पहले भी देवियों को दिखाती रही हैं। साल 2007 में उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म गॉडसेस को मुंबई और म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। उसके बाद 2019 में उनकी फिल्म मदाती एंड अनफेयरी टेल को भी एक दलित लड़की को देवी के तौर पर पूजा करने की काल्पनिक कहानी को दिखाया गया था। इस बीच आज तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत राय ने एक बयान जारी कर कहा है कि फिल्म में जो पोस्टर दिखाया गया है, तृणमूल कांग्रेस उस पोस्टर और फिल्म का समर्थन नहीं करती और इसमें हम इसका कोई समर्थन नहीं करते। उनका कहना था कि हम एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी हैं, इसलिए किसी धार्मिक विवाद में बहस में नहीं जाना चाहते। हम लोग, हमारी पार्टी हर धर्म को सम्मान देती है, हर धर्म की इज्जत करती है और बहस इस पर होनी चाहिए कि धर्म से और जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिले। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में FIR दर्ज हो गई है। बंगाल में भी काफ़ी कुछ हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने धमकी दी है कि वे हाईकोर्ट जाएंगे अगर 10 दिनों के भीतर महुआ मोत्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये तमाम चीज़ें विवादास्पद हैं। लगातार इस पर विवाद बढ़ रहा है। महुआ मित्र ने भी फिलहाल चुप्पी साध रखी है और पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी ने इसे लपक लिया है। और बाकी इसके पहले ऐसी जो घटनाएं हुई थी, यह मामला भी उसी राह पर आगे बढ़ रहा है। इस बारे में और कोई अपडेट हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।